स्वागत है टेक ज्ञान पे। तो आज की वीडियो हम लोग एक और बहुत ही जबरदस्त मोबाइल लेकर आ चुके हैं, MI का Redmi Note 10S और पूरा पैसा वसूल मोबाइल है, बहुत ही गजब का यहाँ पे और बहुत ही जबरदस्त मोबाइल आपके पास आ चुका है। और हम लोग यहाँ पे हम पूरा रिव्यू करने वाले, अनबॉक्सिंग करने वाले और देखने वाले इसके अंदर क्या क्या न्यू चीजें आपको बहुत बेस्ट लगने वाली, इसके अंदर क्या चीजें बेस्ट है और क्या चीजें खराब है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैमरे की जो आपको बात कर लेते हैं, कैमरे की जो पीछे का बैक कैमरा है 64 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है, जो सबसे बेस्ट रहने वाला है अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो लेंस के साथ। और उसके बाद फुल HD डिस्प्ले आपको मिल जाएगा इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस के साथ। और यहाँ पे बात करें हेलियो G95 आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, वो भी गेमिंग स्पेशल के लिए। आप अगर गेमिंग के मामले में इस मोबाइल को लेना चाहते हो तो गेमिंग के मामले में बहुत ही गजब का ये मोबाइल है। और डुअल स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा, तो गेम की वॉल्यूम भी बहुत रख सकते हो। और 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा सेल्फी मिल जाएगा, AIR रिमोट कंट्रोल इसके अंदर देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट का चार्जर, मींस कोई कमी नहीं चार्जिंग की। तो यहाँ पे चलो भाई इसको फटाफट से बॉक्स से निकाल देते हैं और चेक कर लेते हैं क्या इसमें कमी है और क्या नहीं है। तो जैसे कि हमने बॉक्स पे देखा तो कुछ कमी नहीं बताई इन लोगों ने, बट इसके अंदर की क्या कमी है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बॉक्स जैसे ओपन करते मोबाइल मिल जाता है, बट अपने पहले देखें कि इसके अंदर एसेसरीज एक्चुअली में क्या क्या मिल जाती है आपको। तो सबसे पहले आपको एसेसरीज के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे जो है आपको सिम टूल, और उसी के साथ आपको मिल जाएगा एक चीज़ आपको देख सक दिखा देता हूँ मैं, ये है गाइड बुक आपको मिलेगी। इसके साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबल कवर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, वो भी कंपनी का पूरा बहुत ही ये चीज़ बहुत बेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो चलो भाई देख लेते हैं 33 वोल्ट का बहुत ही पावरफुल चार्जर MI का तो आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और बात करें हम लोग यहाँ पे जल्दी से स्पीड में, तो ये आपको मिल जाएगा एक 1 मीटर की केबल USB टाइप सी टाइप की आपको मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से अपना मोबाइल अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो ये हो चुका है, इसको निकाल देते हैं। और ये कलर है पर्पल, आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर चार कलर मिलेंगे, पर्पल वाइट और ब्लैक और ब्लू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे पर्पल के साथ और क्या क्या चीज़ें आपको। तो इसमें साइनिंग वगैरह आप लोग देख ही पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया साइनिंग आपको, बहुत ही टिमटिमाती लाइटें लग रही है इसके अंदर। तो मोबाइल का बैक बहुत बढ़िया आपको पसंद आएगा, रेडमी का सिम्बॉल मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का ये आपको कैमरा मिलेगा पीछे का, और 228 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है, 13 मेगापिक्सल आपको सामने की साइड मिलेगा। और भी हम लोग बात करें तो फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर देखना मिल जाएगा आपको पावर बटन पे, वॉल्यूम अप डाउन। तो चलो भाई मोबाइल ऑन करते थे एक बार, उसके बाद और भी देखते हैं क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो ये मोबाइल ऑन होने पे रख दिया हमने, और ऊपर की साइड में डुअल स्पीकर की बात की तो दो स्पीकर एक ऊपर की साइड में मिलेगा, और IR का रिमोट कंट्रोल आपको मिल जाएगा, और नीचे की साइड में एक स्पीकर आपको देखने को मिलेगा, उसी के साथ सी केबल और आपको जो ईयरफोन प्लग मिल जाएगा इसके अंदर। तो मोबाइल स्टार्ट होने वाला है तो देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग और बात करें इसके अंदर, तो 6.43 इंच की बहुत बड़ी डिस्प्ले आपको मिल जाती है, बहुत ही गजब की 5000 mAh जो आपको दिखाई दिया है। MediaTek Helio G95 प्रोसेसर आपको गेमिंग के मामले में बहुत बढ़िया है, आप लोग बहुत सारे गेम्स एक साथ में खेल सकते हो, ये चीज़ इसके अंदर बहुत ही बढ़िया है। और क्लियरिटी तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इसकी HD+ डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ भी बहुत मस्त लगी मुझे, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे ज़्यादा ऐप आपको नहीं मिलेंगे, जस्ट आपको बहुत से रेयर ऐप आपको देखने को मिल रहे होंगे 6-7, और उसके अंदर इन लोगों ने डाल के रखे भाई, हमको दिखेगा नहीं ऐसे, बट ये आपको इतने सारे ऐप मिल रहे हैं। MI का मोबाइल है तो आप सभी को पता ही है, ऊपर से सारी की सारी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और बात करें हम लोग इसके अंदर YouTube वगैरह आपको 4G मोबाइल है कम्प्लीटली। और प्राइसिंग की बात करें सबसे मेन, तो इसकी प्राइसिंग आपको रहने वाली है 15,000 के आसपास अगर आप लेना चाहते हो 4GB 64, तो भाई ये थोड़ा कॉस्टली मिलेगा आपको 464, और 664 भी इसके अंदर है जिसकी प्राइसिंग है 664, उसकी प्राइसिंग रहने वाली है 15,000 के समथिंग। और 6128 लेना चाहते हो तो उसकी प्राइसिंग 16,000 के समथिंग आपको पड़ जाएगी। तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, थोड़ा प्राइसिंग में गड़बड़ हो सकती है तो वो हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देंगे बस। और यहाँ पे चलो देख लेते हैं इसके अंदर कैमरा की क्लियरिटी, और इतना पेड कर रहे तो भाई कैमरा की क्लियरिटी क्या है। तो ये कैमरा की क्लियरिटी आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट क्लियरिटी आपको 10 मल्टीप्लाई जूमिंग लेवल मिल जाता है, ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है, और बिल्कुल भी फोटो फट नहीं रही है यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई। तो मीन्स आप लोग देख पा रहे हो इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड आपको क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया जूमिंग लेवल है।
और कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई और बैक भी कर सकते हो आप इसके अंदर, मैक्रो लेंस भी लगे हुए हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल भी लगा हुआ है, तो आप लोग इसके पूरा पूरा यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप 64 इसका मेगापिक्सल ऑन करना चाहते हो तो आपको मोर में जाके सिर्फ यहाँ पे 64 पे क्लिक करना है, उसके बाद और भी क्लियरिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो कैमरा के मामले में बहुत बढ़िया है ये चीज़ मोबाइल, बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे। गेमिंग के मामले में बहुत बढ़िया, आप अगर आप गेम के लिए लेना चाहता हो तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। और वेट उसका बहुत कम है, उसी के साथ देख सकते हो बहुत ही स्लिम पीस। तो गाइस चलो यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए मोबाइल बाय करना चाहते हो कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।